नमस्कार वीके न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में 3 लाख का नायलॉन मांजा तहसील पुलिस ने किया जब्त। जानलेवा नायलॉन मांजे के खिलाफ तहसील पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नागपुर पनपा में स्टेशनरी घोटाला, 6 लोगों को नोटिस। मनपा आयुक्त ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और विदेश से लौटी महिला कोविड पॉजिटिव, मंगलवार को 4 और संक्रमित मिले। सक्रिय मरीज 73। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर शहर के तहसील पुलिस स्टेशन के तहत नायलॉन मांजा जब्ती की बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम देते हुए करीब 3 लाख का नायलॉन मांजा जब्त किया है। पुलिस विभाग से जानकारी मिली है कि ट्रांसपोर्ट के जरिए नायलॉन मांजा शहर में बेचने के लिए लाया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नायलॉन मांजा जब्त किया है। मकर संक्रांति के पर्व को देखते हुए आए दिन नायलॉन मांजा के पकड़े जाने की खबर सामने आ रही है। 3 दिन में ये तीसरी कार्रवाई है जब पुलिस ने नायलॉन मांजा जब्त किया है। इस बार नागपुर तहसील पुलिस ने 3 लाख का नायलॉन मांजा जब्त कर बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी गजानन राजमाने ने बताया कि नायलॉन मांजे पर पाबंदी के बावजूद व्यापारी थोड़े मुनाफे के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं, जबकि जानलेवा घातक मांजे के दुष्परिणाम कितने घातक हो सकते हैं ये पिछले दिनों हमने देख लिया है। ऐसे में जो नायलॉन मांजा का उपयोग करेंगे उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी, ऐसे चेतावनी डीसीपी राजमाने ने दी है। वहीं उन्होंने जनता से नायलॉन मांजा न खरीदने की अपील भी की है। आज 3 लाख के ऊपर मुद्देमाल है नायलॉन मांजा का, जो जब्ती किया है तहसील पुलिस थाने की टीम ने। अवैध तरीके से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था और यहाँ तहसील हद्दी में मार्केट प्लेस है, वहाँ वो बिकने वाला था। तो उसके ऊपर जो गोपनीय माहिती मिली हमारे टीम को, तो उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की है, माल जब्त किया है। इसमें गुना दाखिल होने की प्रोसीजर शुरू है, कार्रवाई हो रही है। सर, ये जो माल था जो काशी लेके आ रहे थे, और कौन आरोपी है? ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट नागपुर ही आ रहा था और नागपुर में अलग अलग रिटेलर है, उनको बेच कर वहाँ से फिर जो एंड यूज़र है उनके पास वो जाता था। तो वो माहिती मिली थी, वो माहिती के अनुसार ताबे में लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू है। सर, यूनिट 4 ने इसके आगे भी, इसके पहले भी यानी कार्रवाई की है नायलॉन मांजे के ऊपर, तो आप लोगों के क्या बताऊँगे, संदेश क्या दूंगे? नहीं, ये नायलॉन मांजा जो है कि वो पतंग काइट के लिए लोग यूज करते हैं, लेकिन ये हानिकारक है। ये ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हमें आदेश दिए हैं, ये प्रतिबंधक किया हुआ ये नायलॉन मांजा है, जिससे अनेक लोगों की जाने गई है, अनेक प्राणियों की जाने गई है। तो ये यूज नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो, हम जो भी फेस्टिवल है उत्साह के साथ हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा सेलिब्रेशन न हो कि हमारे सेलिब्रेशन से कि किसी के जीवन में दुख आ जाए। तो ये ध्यान में रखकर हमें हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए। और नायलॉन मांजा ऐसी चीज़ है कि पिछले साल भी हमने देखा है कि कई उनके जीवन में इस अनहोनी हुई थी, तो जो नहीं होनी चाहिए। तो ये बचाने के लिए हम शुरू से ही डटे हुए हैं और एक को भी हम नायलॉन मांजा है वो यूज करने नहीं देंगे। नागपुर मनपा के विभिन्न विभागों सहित जोन कार्यालयों में लगने वाली स्टेशनरी व प्रिंटिंग सामग्री के 67 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। संबंधित मामले में स्टेशनरी की आपूर्ति न करते हुए 67 लाख रुपए का भुगतान किए जाने का पता चला है। ज्ञात हो कि 1 वर्ष पूर्व भी नगर सेवक धर्मपाल मेश्राम ने इस मामले को उजागर किया था। उसके बाद फिर मनपा में स्टेशनरी घोटाले की खबर सामने आई है। स्टेशनरी प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी घोटाला सहित 6 को नोटिस, जबकि इस मामले में
मनपा के मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त सहित कुल 6 लोगों को नोटिस जारी किए गए। मनपा में इस घोटाले के उजागर होने से खलबली मच गई है। मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे, सामान्य प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त महेश धामेजा, वित्त विभाग के अफाक अहमद, राजेश मिश्रा, एस वाई नागदेव, सामान्य प्रशासन विभाग के मोहन पडवंशी इनका समावेश है। संबंधित मामले में दोषी आपूर्तिकर्ता कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के निर्देश मनपा आयुक्त ने दिए हैं। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने मामले पर कहा कि सामग्री की आपूर्ति न करते हुए 67 लाख रुपए के बिल का भुगतान किए जाने के मामले में पुलिस में मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। वित्त अधिकारी, सहायक आयुक्त सहित 6 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नागपुर में स्पेन से यात्रा कर लौटी 47 वर्षीय महिला कोविड पॉजिटिव आई है। उनका नमूना जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। अब तक विदेश से लौटे 4 यात्रियों में कोविड की पुष्टि हुई है। वहीं नागपुर के पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज की रिपोर्ट आज निगेटिव आई है। मंगलवार को 4 नए और पॉजिटिव पाए गए। स्पेन से लौटी महिला संक्रमित को एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। महिला 6 दिसंबर को नागपुर लौटी। 11 दिसंबर को उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मनपा स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें एम्स में भर्ती कराया। नागपुर जिला में पिछले 24 घंटे में 4,049 नमूनों की जाँच की गई। इनमें शहर के 2,765 में से 3 तथा ग्रामीण के 1,284 में से 1 नमूना पॉजिटिव आया। जिले में अब तक कुल 4,93,724 संक्रमित मिले। बताया जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 2 दर्जन के करीब नमूने भेजे गए हैं। इनमें से केवल 1 नमूने की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है। शेष की रिपोर्ट आनी बाकी है। स्पेन की महिला की रिपोर्ट भी सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है। राम जोशी ने कहा कि जल्द ही संबंधित नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। वहीं नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील उन्होंने करते हुए कोरोना के नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। नागपुर में खेती की बिक्री का सौदा कर 10,31,000 रुपए की ठगी करने वाले एक ही परिवार के 5 लोगों के खिलाफ हुड़केश्वर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी भैया जी गोविंद राव नागपुरे, उनका बेटा नामदेव नागपुरे, युवराज नागपुरे, सुनंदा श्रीधर राउत, कोंडाली तथा चंद्रकला भोयर नीलहोड़ है। आरोपियों ने महालक्ष्मी नगर निवासी रेखा शंबरकर से रिंगना बोड़ी की खेती का सौदा किया था। शंबरकर से अनुबंध कर 10,31,000 रुपए लिए थे। 2007 में यह सौदा हुआ था। इसके बाद से शंबरकर आरोपियों को रजिस्ट्री करने के लिए बोल रही थी। आरोपी लगातार टालमटोल कर रहे थे। शंबरकर ने हुड़केश्वर थाने में शिकायत दर्ज कराई। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शादी का झांसा देकर युवती से बलात्कार करने के आरोपी युवक के खिलाफ जरीपटका पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस मामले में आरोपी तुषार उर्फ विक्की अनिल इंदुरकर है।
तुषार और पीड़िता युवती 2 साल पहले पांचपावली परिसर में रहते थे। इस दौरान उनके बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए। तुषार ने युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने लगा। वह कुछ समय से शादी के लिए टालमटोल करने लगा। युवती के दबाव बनाने पर उसने 9 दिसंबर को कोर्ट मैरिज करने का वादा किया। इन वक्त पर तुषार कोर्ट नहीं पहुंचा, जिसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। नागपुर में विलीनीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे एसटी कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने अब सख्त एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच मंगलवार को निलंबित 11 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को गणेशपेट डिपो से कुल 9 बसें निकली। इमामवाड़ा, घाट रोड, वर्धमान नगर, उमरेड डिपो से निकली बसों की सावनेर, रामटेक, उमरेड, काटोल, भंडारा मार्ग पर 30 फेरियां हुई। दिन भर में 1600 किलोमीटर की दूरी तय की, जबकि 1038 प्रवासियों ने प्रवास किया। इससे महामंडल को 58,002 रुपए की आय हुई। विलीनीकरण की मांग को लेकर अड़े कर्मचारी पीछे हटने के मूड में नहीं है। हालांकि कुछ निलंबित अधिकारी काम पर लौट रहे हैं, जिनकी वजह से बसें चल रही है। इस बीच 11 कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्त करने के बारे में नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब 7 दिनों के भीतर मांगा गया है। नोटिस के बाद कर्मचारियों में मचे हड़कंप की वजह से बुधवार से बसों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 16 दिसंबर से काम बंद आंदोलन करने का माथाड़ी कामगार नेताओं ने इशारा दिया है। किसान, व्यापारी 50 किलो से ज्यादा माल लाने से एपीएमसी ब्याज बटाटा मार्केट के माथाड़ी कामगारों ने काम बंद आंदोलन का इशारा दिया। किसान व्यापारी 50 किलो से ज्यादा माल मांगने से एपीएमसी प्याज बटाटा मार्केट के माथाड़ी कामगारों ने काम बंद आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इसलिए जब तक 50 किलो से कम माल बाजार में नहीं आएगा, तब तक काम नहीं करेंगे। और 16 दिसंबर से काम बंद आंदोलन करने का इशारा भी कामगारों ने दिया। 50 किलो पेक्षा जास्त वजनाचा माल महाराष्ट्रामध्ये नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माल खाली करणार नाही, अशा प्रकारचा निर्णय माथाडी कामगारांनी आणि वारणारांनी घेतलेला आहे। 1999 केंद्र सरकारने कामगारांच्या प्रकृती पाहता 50 किलोपेक्षा जास्त मालाची भरती येऊ नये अशा प्रकारचा एक आदेश काढला। त्या आदेशाला लगेच कामगार लेबर कमिशनर, कामगार आयुक्त, कामगार आयुक्तानंतर कामगार सचिव आणि मग हळूहळू टप्प्यामध्ये इतर व्यवसायामध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली। भाजीपाला, कांदा, बटाटा आणि फळ याच्यामध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली नाही। 2019 आम्ही ह्याची अंमलबजावणी करावी अशी शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना विनंती करत होतो। करोनाचा एक फार मोठा संकट गेल्यानंतरही आमच्या असं लक्षात आलं, 50 किलोचं आंदोलन राहिलं बाजूला, व्यापाऱ्यांनी 65 किलो, 70 किलोचा माल मागवायला लागला आणि म्हणून आम्ही गेल्या 1-1.5 महिन्यापूर्वी 50 किलोपेक्षा जास्त मालाचा, वजनाचा माल खाली करणार नाही हा आम्ही निर्धार केलेला आहे आणि आता आम्ही ह्या भूमिकेमध्ये ठाम आहोत। पणन मंत्री बाळासाहेब पाटलांकडे गेल्या आठवड्यामध्ये मीटिंग झाली। पणन संचालक प्रवीणजी पवारसाहेब होते, DDR होते, त्यांनीही कायदेशीर, बाळासाहेब पाटलांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली की बाजार समितीमध्ये 50 किलोपेक्षा जास्त भरतीचा माल येऊ नये, तशा प्रकारचा एक आदेश मला वाटतं काल किंवा आज निघेल। आणि जरी निघाला नसला तरी आम्ही महाराष्ट्रामध्ये जो माल येतो तो संपूर्ण माल हा 50 किलोपेक्षा जास्त वजनाचा नसावा। आणि यदाकदाचित कांदा बटाटा जर आला तर आम्ही नवी मुंबई एपीएमसी मार्केटमध्ये तो माल खाली करून घेणार नाही। जर त्याचं नुकसान झालं तर त्याचं सर्वस्वी जबाबदार तो व्यापारी राहणार आहे, ज्या व्यापाऱ्यांनी माल मागवलं किंवा ज्यांच्या गोडाऊनमध्ये तो माल खाली केला गेला पाहिजे तो व्यापारी त्या ठिकाणी जबाबदार राहणार आहे। शेतकऱ्यांना विनंती आहे की कामगारांच्या प्रकृतीची क्षमता पाहता आपण ही आम्हाला साथ द्यावी। काँग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने अकोला और नागपुर विधान परिषद के चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, लेकिन चुनाव में बड़े पैमाने में घोड़े बाजार हुआ है। जी हां, ऐसा आरोप नवाब मलिक ने लगाया है। अकोला आणि नागपुरच्या
एमएलसीचा निकाल हे भाजपच्या बाजूने गेलेला आहे. एकंदरीत स्थानिक स्वराज संस्थेमध्ये निवडून आलेले नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य व इतर सदस्य याच्यामध्ये मतदान करताय. एकंदरीत याच्यात घोडेबाजार होते हे स्पष्ट आहे. याच्यात पैशाचा वापर झालेला आहे. मतदारांना खरेदी करून ही निवडणूक लढवण्यात आली. आता हे कुठेतरी थांबला पाहिजे. या भूमिकेशी आम्ही पुढे पावलं टाकू. राज्यसभेमध्ये पण असे पैसे घेऊन क्रॉस वोटिंग होत असताना संसदेमध्ये कायदा करून उघड जे पक्षाच्या व्हीप असेल त्या पद्धतीने मतदान झालं पाहिजे असा कायदा करण्यात आला. अजून एमएलसीच्या बाबतीत संसदेमध्ये कायदा करणं गरजेचं आहे. आणि स्थानिक स्वराज संस्था राज्य सरकारला अधिकार असेल तर आम्ही त्याबाबतीत निर्णय करू. जर राज्य सरकारला अधिकार नसेल तर केंद्राने संसदेमध्ये कायदा करून ही सगळी निवडणुका पारदर्शक झाली पाहिजे. उघड पद्धतीने लोकांनी मतदान केलं पाहिजे. या प्रकारे घोडेबाजार थांबवणं हे गरजेचं आहे. राज्याचा अधिकार असेल तर आम्ही निर्णय घेऊ, नाही तर केंद्राला शिफारस करू. तो सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही. लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी.